14 अगस्त आने वाली है और ये वो वक्त है जब हम सब मिली नगमे गाएंगे, तराने गाएंगे और फिर एक साल के लिए भूल जाएंगे और एक साल बाद हम फिर दोबारा से सब शुरू होंगे। जब मेरी लोगों से बात होती है और तराने की बात होती है तो लोग ये कहते हैं कि इतना मुश्किल तराना क्यों लिखा, फारसी में लिख दिया, उर्दू में लिख देते, समझ आ जाता। तो मैं सोचा आज मैं आपको जो हमारा कौमी तराना है उसका मतलब समझाता हूँ। फारसी में है सारा तराना, सिर्फ एक लफ्ज है उर्दू में, और जब वो लफ्ज आएगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा वो कौन सा लफ्ज है, और इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, मतलब समझाऊंगा वर्ड्स का, लेकिन इसकी तशरीह आप लोग खुद कर लीजिएगा। इतना मुश्किल नहीं है, जब आप समझ के गाएंगे, समझ के पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। अगर शादबाद का मतलब समझ आ जाए, ये चीज आसानी से समझ आ जाती है। शाद फारसी में कहते हैं खुश, हैप्पी, और बाद का मतलब है हमेशा। तो पाक सरजमीन, ये तो समझ आ रहा है, उर्दू में बहुत आम इस्तेमाल होता है पाक, ये जो पाक सरजमीन है, शाद खुश, बाद हमेशा, हमेशा खुश रहे, ये पाक सरजमीन हमेशा खुश रहे। किश्वर हसीन शादबाद, किश्वर भी जमीन को कहते हैं, किश्वर हसीन, ये हसीन जमीन, शादबाद हमेशा खुश रहे। तो ये जो दोनों लाइनें शुरू की, इस ये एक दुआ है कि अल्लाह मियां इस सरजमीन को, इस हमारे जमीन को, पाकिस्तान को खुश रखे। तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान। तो जो आली शान पे जो हम गाते हुए एम्फेसिस देते हैं, इसमें थोड़ा सा मतलब फिसल जाता है। अगर हम इसको सही तरह पढ़ें तो ये चीज समझ आती है, तू निशाने अज़्मे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान, यानी आलीशान का मतलब आपको पता है ग्रैंड, मजेस्टिक, जैसे आलीशान महल। और अज़्म क्या है? अज़्म है रिजॉल्व, यानी अपने आपसे एक आप, जब आप एक वादा कर लेते हैं, यू नो डिटर्मिनेशन कि मुझे करना है, तो वो जो ग्रेट रिजॉल्व है उसको कहते हैं अज़्म आलीशान। तो जब हफीज जलंधरी साहब कहते हैं तू निशाने अज़्म आलीशान, यानी पाकिस्तान से नहीं कह रहे तू निशान है अज़्म आलीशान, क्योंकि आगे लिखा है अर्ज़े पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान की मट्टी को देख के कह रहे हैं अर्ज़े पाकिस्तान। अर्ज़ कहते हैं मट्टी को, लैंड को। तो पाकिस्तान की जो जमीन है, पाकिस्तान की जो मट्टी है, उससे बात कर रहे हैं कि तू निशान है अज़्म आलीशान अर्ज़े पाकिस्तान, कि तुम निशान हो एक ग्रेट रिजॉल्व का पाकिस्तान की मट्टी, ये इस लाइन का मतलब है। तो अब बेसिकली मैं आपको ये इस तरह समझा रहा हूं कि आपको अल्फाज का मतलब समझ आ जाए, बाकी इसकी जो तशरीह है वो तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है मरकज़े यकीन शादबाद। यकीन, हमको पता है यकीन, फेथ, अपने आप में यकीन होना, अपनी कैपेबिलिटीज में यकीन होना। मरकज़े यकीन यानी सेंटर, मरकज, सेंटर को कहते हैं मरकज़े यकीन, यानी पाकिस्तान मरकज है उस यकीन का, उस फेथ का, जिससे हमने पाकिस्तान हासिल किया था, यानी उस यकीन की बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं शादबाद, हमेशा खुश रहे। तो अगर ये गौर करें कि जो शुरू की ये पांच लाइनें हैं, इस पे शादबाद पे बड़ा जोर है, कि ये दुआ पे जोर है कि अल्लाह ताला इस सरजमीन को खुश रखें। ये नहीं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन नहीं, बस दुआ है कि अल्लाह ताला इस सरजमीन को खुश रख। अगली लाइन जो है सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस पूरे तराने की, अगर हम इस तराने को एक पाकिस्तानी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझें, तो ये जो लाइन है पाक सरजमीन का निज़ाम क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, यानी जो हमारा मुल्क है, इसका जो निज़ाम है, सिस्टम जो है, वो किस चीज़ से चलता है, उसकी बैकबोन क्या है? कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई फौज नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, वो है क़ुव्वत अख़ुव्वत अवाम, अवाम की कुव्वत, ताकत और अख़ुव्वत, ब्रदरहुड, भाईचारा। यानी अगर अवाम एक होगी तो ये मुल्क रहेगा, अगर अवाम ऐसे हो जाएगी मुल्क खत्म हो जाएगा, और हम देख रहे हैं, ये हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं। इन दो लाइनों को समझना बहुत जरूरी है, और यही वो लाइन है जिसमें उर्दू का एक लफ्ज है का, पाक से जमीन का निज़ाम। का जो है वो फारसी में नहीं है, का उर्दू, बाकी पूरा तराना फारसी है। अगले शेर में हफीज जालंधरी साहब फिर दुआ मांगते हैं कि कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद,
क्योंकि मुझे लग रहा था शायद जो कुव्वत अखुव्वत अवाम है वहाँ थोड़ा मसला हो जाए, तो मैं दुआ मांग लेता हूँ कि ये कौम मुल्क सल्तनत, ये कौम यानी नेशन, मुल्क कंट्री, सल्तनत यानी स्टेट हमेशा चमकती रहे, पाइंदा ताबिंदा चमकना, बाद आपको पता है हमेशा हमेशा चमकती रहे। ये मैं फिर दुआ मांग ली, शाद बाद मंजिल मुराद। मंजिल हमें पता है, मुराद तो आपकी क्या मुराद है, तुम्हारी क्या मुराद है, तुम क्या चाहते हो। तो जो बड़े सगीर के मुसलमान चाहते थे, उनकी जो मुराद थी, ये वो मंजिल है उनकी, मंजिल मुराद, शाद बाद मंजिल मुराद, हमेशा खुश रहे। फिर वो दुआ मांग रहे हैं कि हम खुश रहें। ये खुश रहना कितना इम्पोर्टेंट है इस तराने में, ये हमने कभी शायद रियलाइज नहीं किया। परचमे सितारा हिलाल रहबरे तरक्की कमाल, ये जो हमारा परचम है चांद और तारे वाला, ये रहबर हो तरक्की कमाल का। रहबर कहते हैं रास्ता दिखाने वाला, तरक्की आपको पता है प्रोग्रेस, कमाल कहते हैं कि एक्सलेंस, किसी भी काम में कमाल हासिल करना, परफेक्शन, एक्सलेंस। तो ये जो चांद तारा है, ऑल्दो इसमें हमें एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारे परचम का जो सफ़ेद पट्टी है वो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, सफ़ेद रंग, तो हमारा चांद तारा भी सफ़ेद है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये चांद तारा सिर्फ हमारा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। तो ये जो चांद तारा है, ये गाइड है, रहबर है, एक्सलेंस का, परफेक्शन का, कमाल का, प्रोग्रेस का। तर्जुमान माजी शान हाल चाने इस्तकबाल, यानी इसमें माजी हाल और मुस्तकबिल की बात हो रही है कि ये मुल्क तर्जुमान है माजी का। तर्जुमान कहते हैं हम जैसे स्पोक्स पर्सन को, कि इसमें कहानियां छुपी हुई हैं, ये पुरानी माजी की कहानियां ये बता रहा है ये मुल्क। शान हाल जो हमारा प्रेजेंट है, ये उसकी शान है। और जाने इस्तकबाल यानी हम फ्यूचर को हम वेलकम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त जो आएगा, ये मुल्क अच्छा वक्त देखेगा। साया खुदाए जुलजलाल, यानी अल्लाह ताला खुदाए जुलजलाल, द ग्लोरियस, द मैजेस्टिक, अल्लाह ताला का साया हमेशा हम पे रहे। यानी आखिर में भी एक दुआ के साथ ही तराना ख़त्म होता है। इस तराने को पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये अंदाज़ा होता है हमें क्या बनना था, हम क्या बन गए हैं। रोज़ तराना गाए नहीं सकते, तो रोज़ पढ़ लें, समझ के पढ़ें, और कोशिश करें जब सिनेमा में खड़े हों तराने पे तो पॉपकॉर्न नीचे रख दें। हमारा तराना दुनिया के बेहतरीन तरानों में से, या मेरे ख्याल से बेहतरीन तराना है, कॉम्पोजिशन वाइज भी, और जो इसके अल्फाज हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।